अरे सुनो, इस सारा बोरा उतार के गोदाम में रखवा दो। बोरा के हिसाब से पलदारी का पैसा मिलेगा, ठीक है? चलो बुलाओ सबको। कहाँ है सब? चलो उतारो सारा माल। हम एक बार अपना लाचारी से पापा को थाने में रात भर सड़ते देख लिए, अब अपना परिवार को और दुख नहीं काटने देंगे। प्रणाम। पिंटू इस बार क्या कांड किया? हमका की। तो फिर कृष्णा हमसे ऐसे क्यों बात कर रही है? भैया कृष्णा का बात मत कीजिए, आप ही हैं जो उसको माथा पे चढ़ाए रखते हैं, और हमको उसका बारे में बेसी जानने का कोई शौक नहीं है। वहां हुआ क्या है? अरे भैया हम आपसे कहे ना, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ सब सही है और हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मतलब तुम कुछ नहीं बताओगे? बाद में बात करते हैं। पापा हम एक बात सोच रहे हैं, सोच रहे थे कि हम फिर से डीसी सर के यहाँ जाकर उनसे कहें कि आप गलत नहीं हैं। उनको ये बात का पता भी लग जाए कि हम गलत नहीं थे तो क्या हो जाएगा बेटा? और अगर वो कहीं ना माने तो और नाराज हो गए, और तुम्हारे इंटरव्यू में कोई दिक्कत खड़ा कर दिया तो हमें की बर्बादी है बेटा। तुम्हारे लिए तो एक एक दिन की है बेटा, दिल लगा करके पढ़ो, तैयारी करो। जिंदगी में कभी कभी अपना लक्ष्य पाने के लिए बेटा बहुत सी चीजों को दरकिनार करना पड़ता है। समय सब ठीक कर देगा। अरे आगे आगे, आइए आइए आइए। अरे हो बिहारी भैया, देखिए हम किसको लेकर आए हैं आपके द्वारे पर। अरे इस सबकी क्या जरूरत? आप जब पिंकी का गुरु हो ही गए हैं, और गुरु का स्वागत हमारे संस्कार संस्कृति में ऐसे ही होता है महाराज। ये तो वही डीसी सर है। क्या हुआ दीदी? अरे आइए आइए, चलिए 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 गरीब खाना में चलिए। हमारे कंधा पर विश्वास नहीं था जो तुम इतना बोझ अपना कंधा पे उठा दे। ऐसा बात नहीं है पापा, बचपन से आपका उंगली पकड़ के तो चलना सीखे हैं, आपके कंधा पे पूरा बचपन बिताए हैं, हमें तो तब भी आप पे विश्वास था और आज भी है। ये तो बस हम अपना कंधा का बोझ उतार रहे थे, पर जिस दिन आपको थाने में बंद देखा हम घबरा गए। क्या होगा हमारे परिवार का, कौन ख्याल रखे? हम घर का बेटा है, कुछ काम तो करना पड़ता है ना। जो बच्चा हमारे कंधा पे घूमता था वो कब इतना बड़ा हो गया कि हमारे साथ कंधा मिला के चलने लगा, हमें पता ही नहीं चला बेटा। काम नहीं करना है का? जी आए पापा माते।